उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू ने सचिवालय में विभागों के आयोग को भेजी जाने वाली रिक्तियों के अधियाचन के संबंध में बैठक ली। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि सभी विभाग प्रत्येक वर्ष भर्ती वर्ष 1 जुलाई से 30 जून के अनुसार समय से अधियाचन भेजना सुनिश्चित करें। उन्होंने विभागों को ये भी निर्देश दिए कि आयोगों को त्रुटि रहित अधियाचन भेजे जाएं। मुख्य सचिव ने कार्मिक विभाग को निर्देश दिए कि त्रुटि रहित अधियाचन भेजे जाने के लिए पोर्टल बेस्ड व्यवस्था बनाई जाए। साथ ही पोर्टल के माध्यम से अधियाचन भेजे जाने से त्रुटि होने की संभावना समाप्त हो जाएगी, साथ ही पोर्टल होने से समय की भी बचत होगी। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को अपना कैलेंडर भी तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभागों के ढांचे भी बहुत पुरानी व्यवस्था पर चल रहे हैं। विभागों में बहुत से ऐसे पद भी हैं जिनकी आधुनिक परिस्थितियों में आवश्यकता नहीं है और लंबे समय से रिक्त भी चल रहे हैं, जबकि जिन पदों की आवश्यकता है उन पदों का सृजन ही नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि एक ऐसा सिस्टम विकसित किया जाए कि प्रत्येक विभाग 2-3 साल में अपने ढांचे की समीक्षा कर आवश्यक पदों का सृजन करें और अनावश्यक पदों को समाप्त करें। एमके न्यूज़ की डेस्क रिपोर्ट।